वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार बात बोली गई है। बोला गया सपना, अगर सपने आप लोग देखते हो जिंदगी में, तो बोला गया सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा मेरे दोस्त जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगर जिंदगी में देखिए, अगर आप लोगों को सपने देखने, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए एक पाथ आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसको प्रॉपर वे में हर एक दिन आप लोगों को उसके ऊपर चलना है, तभी जाकर आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वरना सपने देखकर सुबह देर तक सोने वाले भी हजारों मिलेंगे और सपने देखकर बाद में उनको गाने वाले भी हजार मिलेंगे कि हाँ ये कमी रह गई इसलिए हम लोगों ने पूरा नहीं किया। तो कम से कम एक बार इतना जी और जान उसके अंदर लगा दो, ताकि बाद में ये मलाल न रह जाए कि यार क्या उस टाइम पर वो कर लिया होता। तो ये चीजें कम से कम आप लोगों को लाइफ में करनी है, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देना, तो इसके ऊपर जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करना जिंदगी में। देखिए एक बार ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये करके एक बार देख लिया होता, वो वाला अगर फंडा आप लोग फॉलो करोगे तो फिर सारी चीजें जो है आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएगी। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है, काफी कुछ देखने को मिलेगा, टकटकी लगाकर देखेगा, बहुत ही प्यारी न्यूज है, एक एक करके डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। पहले एक ओवरव्यू में बता देता हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ में और भी काफी कुछ एक्स्ट्रा होगा, ये एक हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस के बारे में। तो 4 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जा रही है इसकी थीम के बारे में, तो ये आप लोगों को बतानी है। आप लोगों ने देखा होगा अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के बारे में बात करें, तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने बातें की होगी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है पूरा समझेंगे डिटेल में। GEAC क्या है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, जानेंगे इसके बारे में पूरा। अंटार्कटिका ट्रीटी जो है वो काफी न्यूज में है, तो अंटार्कटिका के ऊपर किस किसने जाकर अपने तंबू गाड़ रखे हैं, वो सारी बातें भी हम लोग समझेंगे, और क्या क्या बेसिक मुद्दा है वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। CCAMLR तो ये क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए, काफी कुछ बातें डिस्कस करेंगे, एक एक कर पॉइंट देखेंगे। अगर टोटल देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, इंडिया के भी 2 तंबू हैं वहां पर, उनके नाम आप लोगों को बताने, समझेंगे पूरा मुद्दा आखिर यहाँ पर क्या है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर की सैंक्शन ऑन रसिया, तो रिमूवल ऑफ द की जो बैंक है यहाँ पर कहां से, स्विफ्ट से, तो ये स्विफ्ट का पूरा फंडा क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग काफी कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यानी कि डिस्कशन में काफी कुछ मैं बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगी और काफी कुछ यहाँ पर बातें हम लोग जानेंगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। एक और छोटी सी बात यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, जो इम्पोर्टेंट डे की वीडियो है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, उसको आप लोग देख लेना, कोई भी डाउट उसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो माइंड है उनके अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर ये डे है, 4 अप्रैल को ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाता है अबाउट लैंडमाइंस। लैंडमाइंस आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर पुराने टाइम पर काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। अगर आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें काफी ज्यादा यूज किया गया था लैंडमाइंस का। ठीक है, तो बेसिकली उसको बिछा देना, उसके ऊपर से कुछ गुजर रहे हैं यहाँ पर, कोई इस तरीके कुछ इस तरीके रहते हैं, इंसान गुजर रहे हैं या फिर कोई टैंक वगैरह गुजर रहा है, तो उसको उड़ा देना। तो इसके चलते यहाँ पर कैसे उसको इरेडिकेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती थी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप और सेफ होम, तो ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है। तो बेसिक थीम है यहाँ पर, हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, कोई भी अगर डाउट रहा करे तो उसको आप लोग पूछ लिया करो, क्योंकि माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट लेकर जाने का मतलब ही क्या है अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर यहाँ पर कवर की गई है, जयशंकर साहब की जो मीटिंग देखने को मिल रही है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी, और जीएससी पर 2 में इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला पॉइंट है वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये हाई लेवल की मीटिंग अभी देखने को मिली, आप लोगों को बोलो तो दिल्ली के अंदर दरबार लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर माथा टेक कर जा रहा है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर यूके की जो सेक्रेटरी थी वो यहाँ पर आई, इसके बाद में यहाँ पर अभी बेसिकली यूएसए से यहाँ पर लोग आए। ठीक है, उसके बाद में भी यहाँ पर रशिया से आ रखे हैं। सबका एक ही फंडा है कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से ऐसे यहाँ पर डाइवर्ट किया जाए, ताकि इंडिया जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो जाए कि आज की डेट में किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो है रशिया के अपोजिट में आकर खड़ा हो जाए। पर इंडिया ने बेसिकली वही बात बोल रखी है कि अपन झुकेगा नहीं, तुम कितना भी हमको बहका लो, हमने इंटरनेट जो डिसाइड कर लिया हम लोग उसी पर रहने वाले। आप लोग खुद बताओ, सामने वाला हम लोग को सस्ता तेल बेच रहा है, हम लोग क्यों ना ले? सामने वाला हम लोग को काफी सारी चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमारी जो डिफेंस के सारे इक्विपमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं,
मैक्सिमम रसिया मेड है, ठीक है। हम लोग का S-400 सिस्टम दे रहा है सामने वाला बंदा, हमको जब जरूरत थी यूएसए ने हम लोग कुछ नहीं दिया, ठीक है। हवाई जहाज वगैरह भी सारी चीजें पकड़ाता रहा, पर लेकिन हमको कभी भी डिफेंस के मामले में बात करें, मिसाइल के मामले में बात करें, टैंक के मामले में बात करें, ठीक है, या फिर जो भी हमारे जो लड़ाकू जहाज है उनके बारे में बात करें, तो हमेशा रसिया जो है वो आगे निकल कर आया। अब एक यूक्रेन के ऊपर हम लोग जो है रसिया के साथ में अपने रिलेशन जो है वो खराब कर ले, तो बेसिक फंडा इनका ये लगा हुआ है कि कैसे यहाँ पर इनके साथ में इनके रिलेशन जो है वो साइड में करने हैं। और यहाँ पर जो रशिया के जो अभी यहाँ पर एडवाइजर आए थे जिनका नाम था दिलीप, कहने के लिए तो ये एक इंडियन मूल के इंसान है, इनके द्वारा जो बात बोली गई उसने तो बिल्कुल मन खट्टा कर दिया सब इंडियन का। इनके द्वारा बोला गया अगर कोई भी यहाँ पर यूएसए के द्वारा लगाए गए सैंक्शन जो है उसको बाईपास करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया ने बोला चल जुट्टा बहुत देखे तेरे जैसे, तो वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे निकल गई कि यहाँ पर तुम ठीक है तुम बोलकर चले गए। अक्षय कुमार का डायलॉग है, मूवी कौन सी है सर, केसरी है ना सर, जो बोला है चल जुट्टा, तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और जापान कई सारी कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर अब तक जो है सैंक्शन इम्पोज कर दिए गए हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर इसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पर इंडिया और अभी जो रशिया के जो यहाँ पर बेसिकली लीडर आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं भाई साहब हमारे डॉलर यूज मत करना, ठीक है, नहीं करेंगे तुम्हारे डॉलर, हमारा रुपी है और यहाँ पर रशिया का रूबल हो गया तो उसको यूज करेंगे तो क्या दिक्कत है, अपना अपने आपस में व्यापार करेंगे। और इवन रशिया ने तो ये भी बोल दिया G7 कंट्रीज को अगर गैस चाहिए तो भाई साहब रूबल में पे करना है, ठीक है, तुम्हारी जो बेसिकली डॉलर की हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं यूज करने वाले उनको, मानी आज के बाद में हम तुम्हारी ये रूबल है बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्विफ्ट है यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करूं तो ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है यहाँ पर इंटरनेशनल जो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर का। देखिए आज की डेट मान लीजिए SBI में आप लोगों का अकाउंट है, ठीक है, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर किसी बैंक में अगर पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पर, आप लोग ये घर वाले पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सारा सिस्टम जो यूटिलाइज किया जाता है यहाँ पर ये बेसिकली स्विफ्ट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर इसमें से किसी कंट्री को निकाल दिया जाता है तो फिर यहाँ पर उसके वादे लग जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले 2018 के करीब में यहाँ पर ईरान को निकाला गया था तो ईरान के वादे लग गए, तो यहाँ पर रशिया के भी कई सारे बैंक यहाँ से निकाल दिए तो रशिया को भी दिक्कत देखने को मिली। पर रशिया है चालू इंसान, अब रशिया ईरान थोड़ी ना है, रशिया तो भाई साहब राजा आदमी रह चुका है, अब ईरान की तरह थोड़ी ना है कि यहाँ पर चीजें इस तरीके से रहेंगी। तो रशिया ने ऑल्टरनेटिव रूट खोज डाले सारे, ठीक है, जिस भी कंट्री के साथ में अपना माल बेच रहा है बोला कि माल अपन पुराना बेचेगा कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी और डिस्काउंट में भी देगा, ठीक है, बस तुमको जो व्यापार है वो हमारी करेंसी में करना पड़ेगा। तो भाई साहब सामने वाले को अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो सामने वाले को क्या दिक्कत है यार, डिस्काउंट में दे रहे हो तुम तो हमको अच्छा माल दे रहे हो, डिस्काउंट में दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब तुम्हारा ही माल खरीदेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो रशिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टिक एक्सपोर्ट जो कंट्रोल मेजर है यहाँ पर उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आज की डेट में अगर बात करें तो रशिया के ऊपर ये कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, पर लेकिन इंडिया ने साफ साफ बोल दिया, ठीक है, कि भाई साहब हम लोग न्यूट्रल हैं, यानी कि हम लोग बिल्कुल स्विट्जरलैंड वाले स्टेप लिए बैठे हैं कि कोई कुछ भी करता रहे हम नहीं झुकेंगे, ठीक है, यानी कि ना तो हम लोग यूक्रेन का साथ दे रहे हैं ना हम लोग रशिया का साथ दे रहे हैं, तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है। तो लोग बोल रहे हैं तुम किसी का साथ नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्ट वे में तुम रशिया का साथ दे रहे हो, कह रहे इसमें तो अपना आप चला जा रहा है, इसमें हमारी क्या दिक्कत है ये बताओ, हम तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे ना जाकर, हम लोगों ने इनके फेवर में वोट दिया वो भी नहीं हम लोगों ने किया। और यार तुम अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जब तुम ये सारी चीज समझ रहे हो तो तुम यूएन में लेकर क्यों नहीं बैठते हो इसको, ये जो एक पंचायत तुम बैठकर यूएन के अंदर पंचायत लगाओ और वहां पर जाकर बातें करो, मतलब हमारे घर आकर तुम बोल रहे हो यार तुम ऐसा कर दो तुम ऐसा कर दो, मतलब ये तो बेसिकली वही बात होगी, इनको बहू ने जो है सास को कुछ बोल दिया और यहाँ पर बेचारे ससुर के ऊपर आगे सब कूद रहे हैं कि भाई साहब देख लो तुम्हारी बहू और यहाँ पर सासू का क्या क्या चल रहा है, अरे यार उनको देखो ना जाके खाए ससुर के सर, वो जो ससुर जी है उसके सर में खाए दर्द कर रहे हो, ठीक है, तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडिया को खाए परेशान कर रहे हो, उनसे जाके बातें करो और उसके लिए ऑलरेडी है पंचायत बैठाओ यूएन के अंदर में, दुनिया भर के मेंबर है 193 सबको बुलाओ न्योता दो सबको और आके बातें करें, तो उस पे वो भी कोई सोल्यूशन, तुम क्वाड आ रहे हो तो उसमें बातें कर रहे हो, पर्सनली बातें करने आ रहे हो तो उसमें यूक्रेन की बातें कर रहे हो, अब पर्सनल बातें तो पर्सनल करो ना, अपनी और अपनी यार हमारी बातें करो, कहीं यूक्रेन की बातें कर रहे हो यहाँ पर। तो इंडिया ने जो है सबको लताड़ दिया हर तरीके से। तो अभी यहाँ पर इंडिया ये बोला है कि तुम सैंक्शन लगाते रहो जितने तुमको लगाने, हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पर बाईपास किया जा सकता है। बाईपास का मतलब क्या होता है, आप लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, एक रास्ता तो जाता है सिटी में को होकर, वैसा पूरा दिन लग जाएगा और सिटी में आप लोगों को कोई काम भी नहीं है तो बाहर बाहर से निकल जाओ, बाईपास हो गया। तो यहाँ पर अगर लग रहा है कि तुम सैंक्शन लगा रहे हो तो तुम क्या सैंक्शन लगा रहे हो, कि तुम्हारा डॉलर यूज नहीं करेंगे, तो लोग नहीं करते यूज भाई साहब अपना हम लोग रुपये और रूबल यूज करेंगे, नहीं करते तुम्हारा डॉलर यूज। तो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव मैसेजिंग सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर रुपये और रूबल का पेमेंट सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और खासकर जब दो दोस्त होते हैं ना वो कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों बैठे हुए हैं तो लग रहा है कि क्या क्या सोल्यूशन निकाला जा सकते हैं, और इवन रसिया ने तो यूएसए ने तो ये तक बोल दिया कि कल को अगर चीन जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है तो रसिया जो है वो ही नहीं आने वाला है तुम्हारा साथ देने वाला। तो इंडिया ये बोला है कि ठीक है भाई साहब, हमको जरूरत नहीं है अभी, अभी हमको करने तो जो कर रहे हैं, और इतने भी हमको गैर गुजरे नहीं है कि चीन जो है हमारे ऊपर अटैक करके चला जाएगा जैसे रसिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर चल रहा है, और सारी चीज शांति में रहेगी, ठीक है। उन्हें कहता है कि अगर मरेंगे तो मर तुम नहीं, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो वाला काम तुमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ऑयल हो गया चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, तो इसमें हम लोग डॉलर यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसके चलते यहाँ पर चाहे आगे चलकर हम लोग को अपना जो रुपी और रूबल वाला सिस्टम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर डॉलर को यूज किया जा सकता है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, फार्मा प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि कोविड-19 ने सबकी खस्ता हालत कर रखी है, तो वहां पर कुछ रियायत इन्होंने दे रखी है कि हाँ ठीक है यहाँ पर आप लोग इनको यूज कर सकते हो, तो ये वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अभी ऐसा नहीं कि रशिया को बिल्कुल ही इन्होंने त्राहिमाम करा दिया है, अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी तुम काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यहां पर खस्ता हालत हो गई है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसको आप लोगों को समझना है, और बाकी हमारा तो स्टैंड आप लोगों को पता है, पहले से हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, हम लोग झुकने वाले नहीं है। इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि रशिया से तेल खरीद रहे भाई साहब, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हम क्यों ना ले, हम तो जरूर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया जो है कोई ज्यादा तो खरीद नहीं रहा है, खुद बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा तो नहीं बहुत खरीद रहे हैं, एक आध दिन का काम चल जाता है हमारा, तो हमारा अगर महीने में एक दो दिन का काम रशिया से चल जा रहा है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। लगभग 5 मिलियन बैरल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनके 50 बैरल के करीब हमारी, बेसिकली 50 लाख के करीब बैरल हमारी यूज होती है एक दिन के अंदर में, तो उसमें कोई ज्यादा तो है नहीं, एक दिन का हमारा कोटा पूरा हो रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना खरीदे, बढ़िया ऑयल मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और ठीक है यार हम नहीं खरीदते रशिया से, ठीक है तुम दे दो उसने डिस्काउंटेड प्राइस में, हम लोग तुमसे ले लेंगे, तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, किसी और से खरीद रहे तो मान नहीं रहे हो, ये तो यार कोई पसंद नहीं है हमको, बात ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारी बातें सुना दी, तो इसके चलते जो है सब्जेक्ट ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सारा मुद्दा क्या है बेसिकली, देखिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ पर बदतमीजी जो है, बेसिकली जो कंट्री है इनके द्वारा काटी गई उसमें यूएसए सबसे बड़ी बदतमीजी कंट्री थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यूक्रेन को उंगली लगा दी, और उंगली लगा के बोल रहा है कि ऐसा कर तू नेटो का पार्ट बन जा। रशिया ने बोला कि यार ऑलरेडी तुमने हमारे बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो कि रशिया का विक्टन हुआ था, ठीक है, जिससे यूएसएसआर का विक्टन हुआ था बेसिकली, उसमें से तुमने यहाँ पर देखो तो इस्टोनिया हो गया, लतविया हो गया, लुथानिया हो गया, ये सारे ऑलरेडी मेंबर तुम बहुत सारे अपना जो कि नेटो का पार्ट बना चुके हो, ठीक है। अब तुम यूक्रेन को भी अगर नेटो का पार्ट बना लोगे तो कल को चलकर तो तुम हमारी छाती पर आकर बैठ जाओगे, और यहाँ पर आकर वो नहीं कहते बुजुर्ग लोग कागज दे हमारी छाती पर दाल दलेगा बैठ के आके, दो ही बातें हैं। तो यहाँ पर रशिया का गुस्सा भी लाजमी है यार, इतनी सारी हरकतें तुम कर रहे हो, बेसिकली सामने वाले को मान नहीं रहे हो, और सामने वाला पता है कि कितना गुस्सेल आदमी है, ठीक है, उसके साथ में ऐसी बदतमीजी काट रहे हो तुम, तो यहाँ पर इंसान की एक तरीके से सामने वाले को गुस्सा बस इतना ही दिलाओ कि वो लिमिट में रहे, ठीक है, उससे ज्यादा मत करो कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करके फिर तुम्हारी छाती पर आकर बैठ जाएगी तुम्हारे, कि अब बताओ क्या करना है, आप तो हमने मरना है मारना है, तो फिर क्या कर लोगे, वो ही हुआ यूक्रेन में आकर घुस गया, अब कर लो क्या करना है। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाने वाली बात थी, पर लेकिन वो आप लोगों ने जो है वो फॉलो नहीं की, तो उसके चलते यहाँ पर अभी ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं नेटो के बारे में, तो इसके बारे में याद रखते हैं। नेटो जो है यहाँ पर इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आज के डेट में 30 मेंबर है, 31वां जुड़ता रह गया। बेसिकली 31वां तो ये कह रहा होगा यूक्रेन कि सपनों में भी नहीं जुड़ेंगे भाई साहब, यानी कहते हैं कि मेरे से गलती होगी, और नहीं सुना उन लोगों ने वो छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, मेरे से गलती होगी, मेरी जुबान फिसल गई, मैंने नेटवर्क का मेंबर बनने की बात की थी, अब नहीं बनूंगा बिल्कुल भी नेटवर्क का मेंबर, ठीक है। तो वाली बात होगी यहाँ पर, चलिए जो भी है, चढ़ाने के बाद में चढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पर, किसी और आकर कोई आप लोग को उंगली लगाए और ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ठीक है। तो 4th अप्रैल 1949 में यहाँ पर बेसिकली बनाया गया, और वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इसको फाउंड किया गया था, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडर मेंबर यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, और बाकी का यहाँ पर 30 मेंबर है जो याद रखेगा। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं आप लोगों से यहाँ पर, आप लोगों को ये बताना है कि लेटेस्ट मेंबर अभी इसके अंदर कौन सा जुड़ा है जो कि अभी नया नेटो का मेंबर बना है, यूक्रेन मत लिख देना नीचे कमेंट में, ठीक है, वो बेचारा वैसे ही रो रहा है, ओके। अब यहाँ से यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, बात की जा रही है इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी साइन किया गया था एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इसमें बोला गया जापान एक फर्स्ट जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके, और चौथा हो गया बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर रशिया, ठीक है। तो जापान, रशिया, यूके और यूएसए।
तो यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो इसमें काफी बड़ा रोल है यहाँ पर रशिया के द्वारा, काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारी कंट्री में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फील्ड पे पॉइंट ऑफ से बात करें, कई सारे जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब जो पुतिन साहब जो है जो यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है, तो साइन किया गया था 5 अक्टूबर 2018 में, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चीजों को समझ के चलें, ठीक है। देखिए जब भी कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ने का फायदा है, वरना फिर चीजें दिक्कत में आ जाती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्रीटी के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। क्या है यहाँ पर ये जो ट्रीटी है, ये है बेसिकली इंडिया अंटार्कटिका बिल के बारे में। तो यहाँ पर ये ट्रीटी है अंटार्कटिका ट्रीटी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो अंटार्कटिका वाला रीजन कहां पर होता है, पहले आप लोग ये देखिए एक बार। जैसे ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गई, ये है हमारा गोला, ठीक है। तो ये जो गोला है इसका नीचे वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो बेसिकली आर्कटिक वाला रीजन होगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से कई बार आप लोगों को बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा, कई सारी बात देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में काफी डिटेल में, तो समझेंगे यहां पर। यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएसए पर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या क्या चीजें हैं एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये देखिए, लगभग 40 साल जो हो चुके हैं इंडिया के द्वारा यहां पर साइन की गई थी अंटार्कटिका ट्रीटी पर, लेकिन अब जाकर हम लोग यहां पर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ड्राफ्ट मतलब एक खाका तैयार कर रहे हैं जिसमें एक बिल लेकर आ रहे हैं। बिल और एक्ट में डिफरेंस ये होता है कि बिल जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, और एक्ट जब होता है जब वो पास हो जाता है दोनों हाउस में पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो उसको आप लोग एक्ट बोलते हैं। तो हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहां पर बिल बेसिकली लाया गया, तो उसी के चलते हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके अंटार्कटिका वाला रीजन। अब आप लोग बोलेंगे अंटार्कटिका वाला रीजन, इंडिया में बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये कैसे? तो उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हवा में बात चल रही है, इसको थोड़ा सा कंपेयर करके आप लोग देखते हैं वीटो पावर के साथ में। जैसे कि यहां पर ये वही बात होगी कि यूएन के अंदर में तो मतलब आज के में 5 ऐसे मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर है, ठीक है। अब यहां पर रशिया के लोग बोलने लगे कि यूएन के अंदर में हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, अगर हम लोग किसी चीज को रोक देंगे वो होगी नहीं। तो रशिया के लोग बोले हैं ऐसा है, इतनी पावर हमारे पास में कि ऐसा कुछ कर देंगे? जी हाँ, ऐसा कुछ कर देंगे। तो वही वाली फीलिंग आप लोगों को यहां पर आएगी जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी आर्टिकल में। अंटार्कटिका ट्रीटी जो है ये 1959 में साइन की गई थी, और 12 यार दोस्त थे वो पहुंचे अंटार्कटिका वाले रीजन में पार्टी वार्टी करने, तो बोले कि यार बड़ा अच्छा रीजन है यहाँ पर, लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें बर्बाद कर चुके हैं तो यार यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि चीजें बर्बाद ना हो जाए। तो इनके द्वारा बोला गया यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो आसपास वाले रीजन था अंटार्कटिका के आसपास वाले रीजन वाले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, ये सारे, हालांकि ये जो है बेसिकली बहुत दूर हो गया जापान, यहाँ पर ये सारे हैं, इन्होंने मिल बैठकर जो ताकतवर देश थे उस टाइम पर लगभग, उनके द्वारा बोला गया कि यार मिलकर काम करते हैं और ऐसा कुछ एक ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जिससे कि यहाँ पर ये जो रीजन है ना ये ऐसा कैसे ही बना रहे, यहाँ पर गंदगी ना फैले। जैसे हम लोग सारे समुद्र बर्बाद कर चुके हैं, पोल्यूट कर चुके हैं सारी एनर्जी और फलानी क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग जितनी बदतमीजियां हो सकती उतनी फैला चुके हैं। तो ये वाला रीजन जो है ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पर रहता भी है यहाँ पर ऐसा नहीं है पता चला कल को लाकर सब अपने झंडे गाड़ दें और बोले कि मेरा एरिया हो गया और हम तो कुछ भी करेंगे यहाँ पर, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर ये ट्रीटी जो थी साइन की गई और फिर इसको 1961 में फोर्स लाया गया। ये जो पूरा साउथ है, जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी का जो साउथ वाला पोल हो गया यहाँ पर, तो इसमें जो 60 जो यहाँ पर जो 60 डिग्री का जो लेटिट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा उस वाले रीजन की बात की जा रही है। तो उस वाले रीजन में इनका ये मुद्दा है कि ये ट्रीटी इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या फायदा होगा? पॉइंट नंबर 1, कोई भी यहाँ पर अपनी मिलिट्री लेकर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पर सब लेकर अपने हवाई जहाज घूम रहे, अपने जहाज लेकर चढ़ गए यहाँ पर, तो ये डीमिलिटराइज जोन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पीसफुल रिसर्च की जा सकती है, यानी कि आप लोग यहाँ पर आकर अपनी लैबोरेटरी बना सकते हैं और वहां पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं बैठ के एक कोपचे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर आकर बदतमीजी काटोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में टेरिटरी सॉवरेनिटी और वो सारी चीजों को साइड में रखोगे, इंटरनेशनली जो चीजें होंगी उसके बेस पर हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ये ऐसी कुछ नहीं कि बस यही बात थी, यहाँ पर बहुत सारी बात थी। मिलिट्री जोन यहाँ पर बेसिकली नहीं बनाएंगे, ठीक है। फ्रीडम रहेगा यहाँ पर साइंटिफिक एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का, अपने अपने लेवल पर आकर आप लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फ्री एक्सचेंज कर सकते हैं साइंटिफिक प्लांस एक दूसरे के साथ में, एक ने स्टडी कर ली, जैसे हम लोग चांद पर गए थे, चांद पर हम लोग गए, हम लोगों ने बोला पानी है, कई साल पहले पाकिस्तान ने तो ये बोला पानी नहीं था, ये खुद की बोतल लेकर गए थे और पानी गिराकर आ गए चांद पर, बोल रहे हैं पानी खोज लिया, ठीक है। तो मतलब कहने का यह पाकिस्तान तो हमारे हमेशा फौज में रहता है,
तो यहां पर बोला गया कि फ्री एक्सचेंज साइंटिफिक प्लान करेंगे अगर जो भी यहां पर कुछ अच्छा करता है, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी यहां पर टेरिटरी का ऐसा नहीं कि कोई क्लेम करेगा, ठीक है। तो एनी टेरिटरी अगर क्लेम भी है तो उसको होल्ड पर डाल दो कि हाँ ये हमारा एरिया, ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियर फ्री जोन यहां पर रहने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर आप लोग चलकर परमाणु बम छिपाओगे कि गड्ढे में दाब दो वहां पर फिर निकाल लेंगे, जैसे नहीं कंचे दाब दिया करते थे बचपन में, ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बोला जा रहा है अप्लाई टू लैंड बट नॉट ऑन सीज, तो यहां पर लैंड पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि जो वहां पर एरिया है जो पानी वाला उस पर भी अप्लाई होगा। ऑल द स्टेशन जो भी यहां पर खोले जाएंगे, ठीक है, ऑल द स्टेशन जैसे मैंने बताया ना 40 के करीब स्टेशन यहां पर खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन बाय द अदर नेशन, दूसरा नेशन आकर झांक सकता है कि यहां पर कुछ बदतमीजी तो नहीं काट रहा है, कि पता चला यहां पर बोल रहा है कि ये मेरा स्टेशन है, बस यहां पर मेरा साम्राज्य है, यहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे वाला भी आकर देख सकता है कि पड़ोस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो यहां पर एक तरीके से ये हो गया कि ओपन में काम होगा एक दूसरे के, ताकि यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ बदतमीजी काटी जा रही है। नेशनल, देखिए ये इंटरेस्टिंग, यहाँ पर नेशनल लॉ जो होगा वो अप्लाई होगा टू द सिटीजन, नोट टू द एरिया, ठीक है। सिटीजन पर अप्लाई होगा, यहाँ पर एरिया पर अप्लाई नहीं होगा, यानी किसी भी कंट्री के जो सिटीजन रहेंगे वहां पर उसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई होगा, ना कि उस पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है। क्योंकि सिटीजन आ रहे हैं वहां पर, वो हरकतें कर रहे हैं, तो उसको देखो रोका जाएगा ना, क्योंकि एरिया तो किसी का भी नहीं है, ठीक है। ट्रीटी जो है वो मॉडिफाइड की जा सकती है एनी टाइम, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एग्रीमेंट कर यहाँ पर उसको देखा जा सकता है। All the treaty nation to ensure the one and एक तरीके से no one carry out the act against the treaty, यानी कि अब मैं यहां से बात करूंगा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, अब हर एक कंट्री जो है वो अपने देश के अंदर में कानून बना सकते हैं कि इस ट्रीटी को लेके कैसे चलना है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि यार यहां पर ये चीजें होनी चाहिए, इस चीजें से होने से हम लोग इसको बचा सकते हैं इस एरिया को, तो कोई भी जो देश है वो अपने यहां पर कानून बना सकता है और उस कानून को फिर यहां पर लाकर इंप्लीमेंट कर सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये कि जो कानून लाकर यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे वो यहां पर मान्य होगा, तो इसी के बारे में अभी मैं बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पर करेंटली टोटल मिलाकर 54 ऐसे वैसे नेशन है जिनके द्वारा साइन की जा सकी है अब तक ये अंटार्कटिका ट्रीटी, 54 ऐसे देश हैं, इनके 54 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर लिया, उसमें से 29 ऐसे हैं जिनके द्वारा 29 हैव द राइट टू वोट एट द अंटार्कटिका ट्रीटी, बेसिकली जो कंसल्टेटिव मीटिंग है, और उसमें इंडिया भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि हमको भी यहां पर अच्छी खासी पावर मिली हुई है। इंडिया के द्वारा साइन किया गया था 1983 में इसको, तो यहां पर कंसल्टेटिव स्टेटस फिर हम लोग को मिल गया सेम ईयर में, यानी कि बेसिकली हम तो यार वो देश हैं जो कि हम लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है, ठीक है। तो उसके पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं हम लोग यहां पर। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन जो लिविंग रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करें तो CCAMLR आप लोगों को देखने को मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, और यहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आप लोग बन चुके हैं। तो ये सेटअप किया गया था 1980 में, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके वहां का इन्वायरमेंट, जो भी यहां का इन्वायरमेंट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, इसी के साथ में प्रिजर्व कर सके और कंजर्व कर सके यहां पर जो कि मैरीन लाइफ है वहां पर, उसको भी यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली किसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन, बेसिकली कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन जो लाइफ जो रिसोर्सेज है उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा जो है यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये बात की जाती है बेसिकली साइन किया गया था 1991 में और फोर्स में आया 1998 में। ये बेसिकली नेचुरल जो भी यहां पर रिजर्व है उसको वहां पर एक तरीके से फीसफुल और साइंटिफिक तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि वहां पर हफरा तफरी होनी चाहिए। उन्हें आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भंडारा कहीं पर लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि बस एक ही इंसान घुसकर सब कुछ खा जाए, अभी आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पर आराम से काम करना है, मिलकर काम करना है और सबको लेकर साथ में चलना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा इंप्लीमेंट करना है कि सबका साथ और सबका विकास, तभी चलेगा सबका प्रयास और तभी होगा वहां पर सबका विकास, ठीक है। तो ये वाला फंडा है। तो यहां पर अगर बात की जा रही है कि यहां पर इट इज मैंडेटरी एंड बाइंडिंग ऑन द ऑल द मेंबर, इनके सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि एक तो मैंडेटरी है जो लिख दिया और वो बाइंडिंग भी है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अपनी मर्जी चलाओगे तो बदतमीजी काटोगे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहे तो फिर उसको देखा जाएगा, ठीक है। 27 कंट्री ऐसी हैं जो ऑलरेडी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बना चुकी हैं। अभी यहां पर इंडिया जो था उसने भी सेम पैटर्न फॉलो किया, हमने भी अपना कानून बना दिया, ठीक है। तो यहां पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, तो ये सारे नाम लिख देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 27 कंट्री जो है ऑलरेडी अपना डोमेस्टिक लॉ बना चुकी है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है मैनी अदर सच एज इंडिया आर इन द रो, यानी कि अभी 27 यहां पर बना चुकी है, अभी इंडिया भी बना लिया तो यहां पर एक और एड हो गया तो 28 यहां पर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि अब हम जो कानून बना रहे हैं एक तो वो कानून ट्रीटी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं ट्रीटी कुछ बोल रही है और हम लोग कानून कुछ और बना रहे हैं। जब ट्रीटी के हिसाब से कानून बनाएंगे तो फिर वो कानून जो है वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, ना कि इंडिया सिटीजन पे इंप्लीमेंट होगा जो भी वहां पर जाकर कुछ हरकतें करेगा। तो ये ड्राफ्ट जो है ये फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है जो हमारे देश में बेसिकली बनाया जा रहा है अंटार्कटिका के लिए।
तो ये जो बिल है यहां पर ये कई सारे ऐसे पिनल प्रोविजन भी लेकर आएगा अगर कोई कानून को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर देखने को मिलेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव है यहां पर जो कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन के ऊपर तो इंप्लीमेंट हो गई होगा, कोई बाहर का भी अगर सिटीजन है, मैंने बोला ना अभी लैंड के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता ये कानून, ये बेसिकली सिटीजन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है ये कानून। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेसिकली, यानी कि ये कानून जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट होगा, ना कि जमीन के ऊपर। ये बिल जो है जैसे ये फोर्स में आ जाते हैं तो इंडियन फॉरनर कोई भी कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, कोई ज्वाइंट वेंचर है वहां पर, तो यहां पर जो काम कर रहे हैं कोई एयरक्राफ्ट वगैरह ये सारी चीजें अगर बात करें, एनी वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, तो दैट इज आइदर इंडियन और जो बेसिकली इंडियन एक्सपेडिशन है, तो यहां पर ये सारी चीजें जो है यहां पर इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि इंडिया जैसे 28 मेंबर में हो गया तो उन्होंने भी अगर कोई कानून बना रखा है तो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होगा, यानी कि सबको मिलकर यहां पर इसको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा लगे कि हाँ सबका अधिकार है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि किसी एक का अधिकार है। तो ये वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें कई सारे प्रोविजन जो अंडर द बिल है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई यहां पर कैसे बेसिकली एक तरीके से परमिट करना है, ठीक है, कोई भी यहां पर अपॉइंटमेंट की जा रही है एक तरीके से, इशू की जाएगी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी, ताकि एक तरीके से चीजों को ढंग से देखा जा सके, ठीक है। तो बात की जा रही है कि विदाउट विच एनी एक्सपेडिशन और इंडिविजुअल विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द अंटार्कटिका, तो यहां पर प्रॉपर एक फॉलो करना पड़ेगा रूल, उसके बेस पर काम चलेगा। इसी के साथ में कमेटी को बेसिकली अगर बात करें तो प्रोविजन टू एस्टैब्लिश द कमेटी ऑन अंटार्कटिका गवर्नेंस और इसी के साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो उसके प्रोविजन के बारे में बात करें कैसे इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे रूल बना रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, एमिशन क्या होना चाहिए, ये सारी प्रोटेक्शन कैसे चलना है, वो सारी चीजें। थोड़ा सा नीचे घुस गया, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि प्रॉपर एक पैटर्न में काम किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल लेवल के कानून के हिसाब से चले और सारी जो चीजें उसको पैटर्न में फॉलो करके चला जाए। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कोई भी ड्रिल वगैरह करने लगे, उल्टी सीधी हरकतें वहां पर करने लगे तो वो नहीं कर रहे हैं। ओनली यहां पर एक्सेप्शन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च है और उसके लिए परमिट किया जा रहा है, ना तो कोई यहां पर आप लोग बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई नेटिव प्लांट को डैमेज करोगे, ठीक है, कोई यहां पर फ्लाइंग या फिर लैंडिंग हेलीकॉप्टर आप लोग लेकर आओगे, कोई ऑपरेशन वेसल ऐसा लेकर आओगे जो यहां पर बर्ड वगैरह पक्षी वगैरह है उनको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, कोई वहां पर सोयल को रिमूव करके कोई आप लोग अल्टरनेटिव कुछ और हरकतें कर रहे हो, बायोलॉजिकल कोई मटेरियल जो नेटिव नहीं है वहां का लोकल वो लाकर आप लोग वहां पर डाल रहे हो, तो कुछ भी ऐसी एडवर्स इंपैक्ट डालने वाली चीजें जो कि वहां पर एनिमल पर कोई इंपैक्ट डाले, उस एरिया को दिक्कत में डाले, कोई भी ऐसा काम आप लोग, कोई भी ऐसी हरकतें, कोई भी ऐसी बदतमीजी आप लोग नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस कानून में लिख दी गई हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहां पर बात करें, कल को चलकर बात करते हैं जैसे कि एनिमल बर्ड्स या प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो इस तरीके से कोई इंट्रोडक्शन करने लगे जो वहां का नेटिव नहीं हो तो वो नहीं होना है, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहां पर। अगर कोई वॉयलेट करता है तो पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी उसको भेजी जा सकती है, इस तरीके से यहां पर बिल जो है वो प्रोवाइड करेगा। इंडियन जो टूर है यहां पर ऑपरेट करते हैं अंटार्कटिका के अंदर में, तो वो भी परमिशन कैसे कैसे चलती है, तो 40 के करीब यहां पर आज के डेट में परमानेंट मिशन है इंडिया के, दो हैं मैत्री और भारती, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इंडिया के दो मिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। वैसे टोटल मिलाकर 40 के करीब मिशन आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं। तो ये पूरा जो बेसिकली सिस्टम है इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखना, तो हमारे देश ने बना दिया है, हमारा अधिकार था, बिल्कुल हाँ भाई साहब अधिकार है, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं दुनिया के बनाए हुए, तो हमारा कानून बनाए अब दुनिया फॉलो करेगी। मैंने कहते आप लोगों ने कौन सी, वो तो अच्छा हुआ है वो मूवी नहीं है उसमें जो उसमें कौवा बिरयानी वाली देखी है, उसमें अभिषेक बच्चन रहता है, वो क्या नाम है उसका, बंदे का नाम निकल गया से, वो कहता है कि ठीक है हम टॉयलेट करने जा रहे हैं तो हमारा बैग देखो, तो टॉयलेट करके आता है वो बेसिकली बैग देखता है उसको खड़ा होकर, फिर वो कहता है कि ठीक है अब हम टॉयलेट करके आ रहे हैं तुम हमारा बैग देखो, ठीक है, तो वही बात है, अब तक सब दुनिया कानून बना रहे तो हम फॉलो कर रहे थे, हम कानून बना रहे तुम भी फॉलो करो, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो अच्छा कानून है और ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव चीजें हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ही काम कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड में चीजें जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है ये श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इसके बारे में सारी बातें एक एक कर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करना है और कैसे चीजों को लेकर चलना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और क्या क्या मुद्दे अभी हैं सारी बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहे तो सारी बातें यहां पर समझते हैं क्या क्या मुद्दा है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएसटी पर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये हो जाएगा। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और श्रीलंका की वैसे भी काफी इंपोर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है आप लोगों को देखोगे तो, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहां पर। अभी श्रीलंका के अंदर जो है जो खासकर उनके जो नागरिक हैं उनके प्रेसिडेंट को लेकर जिनका नाम है गोटबिया राजपक्ष है, तो गोटिया के खिलाफ यहां पर काफी ज्यादा लोग जो है गुस्सा में बोल रहे हैं कि इस इंसान ने जो है हमारी किस्मत फोड़ दी और इस इंसान ने जो है जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग जो है यहां पर सड़कों पर आ गए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है देश के अंदर में, लोगों के पास में खाने पीने रहने के लिए भी जिंदगी जो है जो एक नॉर्मल जिंदगी जीता है इंसान उसमें भी दिक्कतें आ गई काफी ज्यादा। रीजन क्या हो गया, रीजन ये होगा कि इन्फ्लेशन इतना महंगा हो गया है कि डॉलर जो है वो बेसिकली रुपए की इनकी जो श्रीलंकन रुपी है
उसके कंपेयर में वो 300-400 की एयरफेयर पहुंच रहा है, वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। उन्हीं का पहले अय्यासी में पैसा उड़ा दिया उधार ले लेकर, फिर पैसा आना बंद हो गया तो फिर जो है घुटनों के बल आ गए। तो आज की डेट में अगर इंसान को किसी को अपना फ्यूल वगैरह या कोई ऐसी चीजें भी लेनी पड़ रही है, इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी यहाँ पर कईयों घंटे 13-13 घंटे 4-15 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है, तब जाकर उनको वहां पर कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि देश के अंदर सामान खरीदने का पैसा ही नहीं बचा हुआ है, तो कैसे खरीदेगा। तो इकोनॉमिक जो है वो काफी मिसमैनेज हो गई है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसकी हरकतें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें पहले तो देखिए दो ही तरीके होते हैं, एक तो ये होता है इंसान के पास में जो पैसा है उसको बर्बादी में उड़ा दे, अय्यासी उड़ा रहा है, उन्हें घर से पैसे है, अच्छा पैसे आगे घर से मोबाइल खरीदने निकल जाए, पैंट शर्ट खरीद लिए, ठीक है जूते चप्पल खरीद लिए, भाई साहब क्या करना था यार किताब भी खरीदनी थी, उसके लिए तो पैसे ही नहीं बचे, मतलब ये खरीद लो पहले, मतलब भाग रही है ये चीजें कहीं, इनको बाद में खरीद लेना, पहले अपनी किताबें खरीद लो। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो होता क्या है बेसिकली, बजट जो है वो बेसिकली कम पड़ गया, ठीक है, रही सही कसर जो थी वो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट ने पूरी कर दी। मतलब क्या था कि उधारी में ले लेकर भी खर्च कर डाला, ठीक है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। अब उधारी की चीजें तो यार ऐसी होती है कि उन्हें कि एक तरीके से देखने में बड़ी अच्छी लगती है कि फ्री का पैसा मिल रहा है, पर लेकिन जब यहां पर वापस जाता है तो उतना ही दर्द भी देकर जाता है। दो ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोनों तरफ से श्रीलंका की जो है वो पिटाई होगी यहाँ पर। तो इसके चलते अभी श्रीलंका जो है वो काफी बुरी कंडीशन में यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ट्विन डेफिसिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि कंट्री का जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड हो गया इसकी नेशनल इनकम से, मतलब आमदनी 98 और खर्च रुपया हो गया। तो एक तो सबसे बड़ी कंडीशन ये देखने को मिलेगी। तो ये ट्विन डेफिसिट में से पहला डेफिसिट है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है इसका प्रोडक्शन जो है ऑफ जो ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विस जो है वो इनएडुकेट रह गया, यानी कि खुद के घर पर जो है सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो सारी चीजें वो है डेफिसिट में है। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी हो जाना। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जब देश है उसके अंदर सामान बनाने की क्षमता नहीं है, सामान को बेचने की क्षमता नहीं है और लोगों के पास में खरीदने की क्षमता नहीं है, तो इस टाइम पर फिर जो यहाँ पर ये कुछ रेटिंग एजेंसी होती है ये फिर अपना कमाल दिखाना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये जो रेटिंग एजेंसी है फिर इन्होंने क्या किया, श्रीलंका की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि श्रीलंका के वहां पर मत जाना, उनके साथ में अच्छे रिलेशन मत रखना, वो तो वैसे ही बेसिकली खराब कंट्री है। मतलब एक तरीके से ये है, ये रेटिंग एजेंसी दुनिया को ये बताती है कि कितना पैसा तुमको आकर यहाँ पर बेसिकली खर्च करना है, ये रेटिंग एजेंसी यहाँ पर ये बताती है। तो रेटिंग एजेंसी बिल्कुल ऐसे सास बहू वाली बातें नहीं होती बिल्कुल कि हाँ वो उसकी लगा रही है उसकी लगा रही है। तो ये जो अच्छी अच्छी कंट्री है, अमीर कंट्री है, उनकी तो हमेशा अच्छी रेटिंग दिखाती है, और जो ऐसी कंट्री है हमेशा उनके ये नेगेटिव में रहती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और खासकर अगर श्रीलंका जैसा कोई मुर्गा मिल जाए तो उसको तो ये दबा दबा कर मारती है। तो इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, जैसे ही रेटिंग डाउनग्रेड करी सामने वालों को आकर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा यहाँ पर, तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते और ज्यादा इशू यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जो है वो काफी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लगभग चीजें ऐसी चल रही है यहाँ पर। रिजर्व जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% जो है वो यहाँ पर आज के टाइम में ये बेसिकली खत्म हो रहा है। आने वाले टाइम में कंडीशन ऐसी है कि कटोरा आ चुका है। कंडीशन क्या है, ऑलरेडी कटोरा आ चुका है, कंडीशन तो क्या ही बोला जाए, कंडीशन जो है सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और काफी ज्यादा खराब होती है, देखिए इंसान ना एक तो वैसे फ्रस्ट्रेट और ऊपर से डिसीजन ऐसे लेगा जब फ्रस्ट्रेशन में, तो फिर और ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। भाई साहब के द्वारा डिसीजन क्या लिया गया अभी कुछ दिनों पहले कि ऑल जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको बैन करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया अब ना हम लोग बेसिकली ऐसी खेती करेंगे जहां पर हम लोग फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वातावरण से एक तरीके से वातावरण को एक पर वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको बेसिकली एक तरीके से मतलब शब्द यूज किया था वो माइंड में नहीं आ रहा एकदम, मतलब वातावरण को बिल्कुल एक तरीके से वो प्रदूषित नहीं होने देंगे, वातावरण को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे, उस तरीके से खेती करने वाले हम लोग यहाँ पर। अब आप लोग सोचिए आज के दिन में केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर इतने सारे डिपेंडेंसी है जिसकी वो छद नहीं है, तुरंत एकदम बंद कर दो तो ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बेटा हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि करेंसी ये चलेगी और आज से वो हो गया और कैपिटल ट्रांसफर हो गई, तो पढ़ा लिखा बेवकूफ बोलते हैं फिर लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने वाले को, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें से निकल गई कि बैन कर दिया ऑल द केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर चीजें थी आगे चलकर दिक्कत होगी, पर फिर लगा कि इसको रिवर्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पता चला था कि नशे में वो डिसीजन ले लिया था, अब सुबह जब नशा उतरा तो फिर लगा यार इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इनके द्वारा डिसीजन लिया गया जो फार्म सेक्टर था उसकी भी रही कसर हो गई, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमी जो थी कोविड 19 ने उसकी खस्ता हालत कर दी,
लोग जो है वहां पर जो बाहर काम करते थे वो काम छोड़ छोड़कर घर आ चुके थे क्योंकि सब जगह फैक्ट्री बंद हो चुकी है। लोगों के द्वारा जो टूरिज्म जो वहां पर उनकी इकोनॉमी में रोल प्ले करता था वो बेसिकली ठप पड़ गया। अब रही सही कसर जो थी वो एग्रीकल्चर पूरा कर रही थी। हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 में जो सबसे ठीक ठाक चीजें चल रही थी वो एग्रीकल्चर की चल रही थी और इन भाई साहब मूर्ख आदमी ने उसी एग्रीकल्चर की कमर तोड़ डाली। तो जब यहाँ पर एग्रीकल्चर जिसके ऊपर उन्हें कहते हैं एक तरीके से कंगाली में आटा गीला, तो वो कंगाली में इन्होंने आटा गीला कर लिया अपना। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली दिक्कत इतनी हो गई कि इनकी जो खेती है वो ढंग से नहीं हुई और उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा इनकी जो राइस जो है उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई और उसकी वजह से काफी कम यहाँ पर राइस की पैदावार हुई। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं एक ऐसा देश जो कि कोस्टल बेसिकली चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर राइस और जो मछली है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर राइस है नहीं, मछली खा लो पका पका कर, तो वो कंडीशन देखने को मिली। हालांकि इनके द्वारा चिल्लाया गया कि भाई बचाओ बचाओ, और पड़ोस में कौन है, पड़ोस में इंडिया है, तो इंडिया को सुन गया कि लग रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब जो है वो बैठे थे दिल्ली में, उनको लगा कुछ चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो लग रहा है कि यार पड़ोसी देश चिल्ला रहा है भाई, तो कौन है कि यार ये तो बेसिकली राजपक्षा परिवार चल रहा है, तो चलो बात करते हैं उनसे, बुलाओ उनको अपनी महफिल में। तो फिर उनको बुलाया गया, तो इंडिया ने हेल्प करी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। तो इंडिया ने काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर हेल्प करी, लेकिन इंडिया कहां तक हेल्प करेगा, आज के में कंडीशन इतनी खराब है। ये तो बिल्कुल वही होगी कि भाई साहब पैसे चाहिए, कितने चाहिए कि यार हम मतलब पैसे दे सकते हो कि हाँ दे देंगे, कितने कि 5 लाख रुपए, 5 लाख बस, कि चाहिए कितने थे 50 करोड़, 50 करोड़ ना भाई इतना ना हो पाएगा, 5 लाख तक तो दे सकते हैं, तो वाली बातें यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर ओनली 2.31 बिलियन इनके पास में रिजर्व बचा हुआ है, यानी कि ये आज या कल किसी भी दिन खत्म हो सकता है। वो तो एक सामान खरीद नहीं रहे वरना अब तक खत्म हो गया होता है, ठीक है, जनता परेशान है। इसी के साथ में जो उधारी है उसका रीपेमेंट करने का टाइम आ गया है। 4 बिलियन जो है अभी इनको डॉलर 2022 में यहाँ पर पे करने हैं और 1 बिलियन तो इसमें से इंटरनेशनल सोवरन बॉन्ड है जो कि यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी जुलाई में ही होने जा रही है, बाकी का तो थोड़ा बाद में हो जाएगा। और ये किस किस का है, ये बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जापान का और चाइना का, तो ये देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर बात करें लार्जेस्ट शेयर जो है श्रीलंका फॉरेन डेट में 12.55 बिलियन जो है विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और चाइना, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी कंडीशन जो है वो इतनी खतरनाक है कि जब यहाँ पर एक नहीं कहते कि इंसान को तब तो समझ में नहीं आता है जब चीजें खराब हो रही होती है, जब बिल्कुल बैठ जाए ना तब समझ में आता है। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारे ऐसे हो रखे थे जिसकी वजह से सारी चीजें खराब हो गई, तो अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होगी। तो इंडिया को बोला यार तुम ही हेल्प कर दो, इंडिया ने बोला यार हम तो वैसे ही बड़े दिल वाले, हम तो कर ही देंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वही कंडीशन देखने को मिली, तो इंडिया ने यहाँ पर इसकी हेल्प करने की बात की, ठीक है। तो इसके चलते अब इंडिया को भी दिख रहा था कि सही टाइम में मौका मान लेते हैं, तो हम लोगों ने भी कई सारी डील साइन की इनके साथ में, ट्रंको माले ऑयल फील्ड हो गया और भी बहुत सारे, मतलब हम लोगों ने भी मतलब एक टाइम ऐसा था इन्होंने हमारी बेइज्जती की थी, उन्हें हम लोगों को वहां से निकाल दिया, चाइना को दे रहे सारी चीजें, अब इंडिया को भी मौका मिला तो हम लोगों ने भी बना मौका लपेटा, ठीक है। इसकी वजह से आ रहा कि श्रीलंका में कई सारे लोग जो है पॉजिटिव बोल रहे थे, पर लेकिन सही है, अब भाई साहब जैसे को तैसा होता है ना, ठीक है। अभी तुम यहाँ पर चाइना कार्ड खेलोगे बार बार तो हम लोग को मौका मिलेगा तो हम थोड़े ना छोड़ेंगे, और चाइना तो वैसे ही अपने बाप को नहीं देता है फ्री में चीजें, तुमको तो क्या देगा, ठीक है। तो इसके चलते 1 बिलियन जो क्रेडिट दिया है हमारे द्वारा तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते अपनी खाना पीना और दवाइयां खरीद लो ताकि तुम मरने से बच जाओ, ठीक है। राजपक्षा गवर्नमेंट जो है वो बोला कि 1 बिलियन और दे दो, तो इंडिया ने बोला कि यार चला दी इनका चिराग तो है नहीं, तुम घिसते रहोगे हम लोग पैसा निकालते रहेंगे, ठीक है, बाकी बचा बचा चाइना से ले लो। तो चाइना को बोला गया भी श्रीलंका जो इनका बैंक है यहाँ पर श्रीलंका का, वो यहाँ पर अभी चाइना के साथ में 1.5 बिलियन करेंसी स्वैप में चल रहा है, तो देखते हैं कितनी इनको फायदा मिल पाता है। 1.3 बिलियन जो है वो लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो अभी सिचुएशन जो है वो सुधर रही नहीं है। चाइना बोल रहा है कि चलो 1.4 बिलियन और दे देंगे, इसके बदले एक आधा बेसिकली जो बंदर कहा है, एक आधा जो पोर्ट वगैरह हो रहा है वो भी हमारे नाम कर देना, ठीक है, तो हम तुमको दे देंगे। तो चाइना तो बेसिकली ताव में रहता है उसी तरीके से कि तुम बेसिकली बोलो तो सही, हम तो तुम्हारा सारा लोन माफ कर दें, तुम बस हम लोग को श्रीलंका भेज दो अपना ही, ठीक है, हम चला लेंगे श्रीलंका को पूरे को, वैसे भी हमें इंडिया को चारों तरफ से घेरना है और श्रीलंका उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है, तो हमको दो यार ये रीजन, हम देखें फिर कैसे चलाना है इसको। तो चाइना तो उसी ताव में है, पर लेकिन क्या ही किया जाए, यहाँ पर अब कंडीशन वही है, जब तो फ्री का मिल रहा था तो ये मजे ले रहे थे, अभी इनको दिक्कतें देखने को मिल रही है। बाकी एक और है यहाँ पर, वो है IMF के पास भी जाकर ये कटोरा लेकर अपना काम कर सकते हैं, पर लेकिन IMF ने बोला कि जब हम तुमको पैसा दे रहे थे उस टाइम पर तुम चाइना से पैसा ले रहे थे, ठीक है, अब हम तुमको पैसा देंगे तो हम लोग अपनी कंडीशन पर पैसा देंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है यहाँ पर, तो अभी रिसेंटली अभी यहाँ पर ये भी बातें चल रही थी कि यहाँ से पैसा लेकर आते हैं, पर लेकिन वही बातें हैं यहाँ पर, जैसे यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और ये सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो अब जाकर IMF को अप्रोच कर रहे हैं। IMF जो है वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो अभी यहाँ से क्या सोल्यूशन निकल कर आएगा, पॉलिसी कैसे लेकर चलेंगे और वो कैसे यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये अभी थोड़ी सी दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। अभी लग रहा है कि IMF जो है सारी चीजें इनकी दूर कर देगा, ऐसे करने का नहीं है, ठीक है, IMF भी अपने कंट्रोल में लेगा। अब खुद ही देख लो, हमारी जब हेल्प की गई थी 1990s में,
जब हमारी कंट्री में कुछ कुछ ऐसी हालत हो रखी थी, हालांकि इतनी बुरी नहीं थी उस टाइम पर, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिफॉर्म के लिए हम लोग को बोला गया कि एलपीजी रिफॉर्म लेकर आओ, ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लेकर आओ, तब तुमको पैसा देंगे। अब तुमको क्या लग रहा है यहां पर, ये इसको आईएमएफ जो है वैसे ही पैसा दे देगा? अगर आईएमएफ पैसा नहीं देगा तो चाइना खरीद लेगा श्रीलंका को, और चाइना ने खरीद लिया तो फिर अपने हिसाब से चलाएगा, आईएमएफ के थ्रू बेचा जाएगा तो फिर भी थोड़ी सहूलियत रहेगी, क्योंकि आईएमएफ जो है वो ऐसा नहीं कि चाइना को इसको श्रीलंका को बिल्कुल बर्बाद करेगा। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर ये कि बैलेंस कहां से बनता है, ठीक है, उन्हें क्या दूर से बैठकर बस तमाशा देखो, अब तमाशा कहां पर जाकर रुकता है तो वो देखने वाली बातें होगी। अभी कंडीशन जो है वो सारी आप लोगों के सामने है, यानी कि सिचुएशन जो है वो अभी थोड़ी सी सोचने वाली है, तो कहां पर चीजें बनती है वो फिर देखते हैं बैठकर, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, इसमें ताम थाम तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन मैं आप लोगों को बड़ी सस्ती और आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी पीपीटी में लिखी हुई है वो वहां पर आप लोगों को दिख जाएंगी, ठीक है, मतलब डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों को पिक्चर के थ्रू से समझाऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड में एक बार वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए आज की डेट में कई सारी ऐसी बीमारी है जिनका सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आ गई, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस जीन में वो प्रॉब्लम आई है उस जीन को अगर एडिट करके, एडिट मतलब जैसे पीपीटी बोलते हैं एडिट कर दिया, ये पोर्शन निकाल दो उसको डाल दो, तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की यहां पर बात की जा रही है। तो इसी के चलते जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप है उसको यहां पर लेकर चलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या है बेसिक मुद्दा तो उसके बारे में समझेंगे। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि व्हाट इज द जीनोमिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द जीएम टेक्नोलॉजी। तो ये है बेसिक चीजें, तो एक एक कर यहां पर सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी चीजें यहां पर लाई गई हैं जिसके चलते अभी यहां पर इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें यहां पर, बेसिकली हम लोग बात करेंगे जीनोम एडिटिंग, यानी एक तरीके से जो डीएनए है, ठीक है, कट करना, उसमें से एडिट करना, उसको ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर अभी बात करें क्रिस्पर के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा प्रीलिम्स में, इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसके चलते यहां पर बेसिकली क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर्ड बेसिकली रेगुलेटरी एंट्री स्पेस, ये है बेसिकली प्लेंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। तो ये जो एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिली, तो इसमें तीन तरीके से आप लोगों को नजर आएगा, एसडीएन, इसी के साथ में एसडीएन1, एसडीएन2, एसडीएन3। एसडीएन क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, इसको एसडीएन बोला गया। तो अभी यहां पर इसको समझाऊंगा, पहले आप लोग यहां पर डीएनए की एडिटिंग के बारे में आप लोग समझो। यहां पर इसको क्रिस्पर या फिर इसको Cas9 बेसिकली यहां पर ये टेक्निक थी जिसके थ्रू यहां पर ये बोला गया कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि यहां पर ये जीन हो गया सेल, ठीक है, इसके अंदर में कोई डिफेक्टेड अगर कोई स्ट्रेन है तो उस डिफेक्टेड एरिया को यहां पर कट कर उसके अंदर हेल्दी डीएनए जो है वो ऐड कर देना, तो इसके चलते हम लोग कई सारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को इस्तेमाल करने की यहां पर बात की गई, पर लेकिन रियलिटी में अब यहां पर ये दिख रहा है इसमें भी कई तरीके के डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब उन डिफरेंस को मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर कुछ अलग तरीके से। जैसे पहला अगर बोला गया ये है एसडीएन, ठीक है, तो एसडीएन जो फर्स्ट है यहां पर इसमें ये बोला गया कि डिलीट करने और चेंज करने, ठीक है, पर लेकिन कोई बाहर का चीज ऐड नहीं करने, जो भी डिलीट करने है चेंज करने है वो वहीं का ही माल होना चाहिए, यानी कि जैसे यहां पर क्या गया ये था पर्टिकुलर यहां पर, ठीक है, तो यहां से कुछ डिलीट किया फिर इनको ऐड कर दिया, तो इस तरीके से कोई बाहर की चीज ऐड नहीं की, यानी कि एक तरीके से कोई एक ऐसी रस्सी है उसमें से बीच में से कट किया और उसी को फिर आगे ऐड कर दिया इसको, ठीक है, ये बीच में से ये वैसा रस्सी काट दिया, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया इसमें, इसको लेंथी बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इसके टेम्पलेट में चेंज कर दिया, कुछ यहां से उधर लगा दिया, उधर से इधर लगा दिया, इस तरीके से यहां से उधर, उधर से उधर पहुंचा के। तो दूसरी वाली चीज है कि पर लेकिन मटेरियल कोई बाहर का ऐड नहीं किया दूसरे वाले में भी, मतलब पहली वाली में तो यहां से कट किया और इसको पूरा ऐसे बना दिया, दूसरे वाली में क्या किया उधर का थोड़ा इधर, उधर का उधर लगा दिया, पर लेकिन कोई बाहर की चीजें ऐड नहीं की, उसी का माल मसाला अंदर से वहीं पर ऐड कर दिया एक पर्टिकुलर जो है बेसिकली टेम्पलेट के थ्रू। अब तीसरी जो है यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर ये है पूरी खतरनाक चीज, इसको बोलते हैं इसमें कोई बाहर की चीजों को ऐड कर चीजों को रिपेयर करना, यानी कि तीसरे वाली जो है ये है यहां पर जो कि पूरा खेला खेलती है। इसको बोलते हैं कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड और जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसको जीएमओ बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि कोई फॉरेन एलिमेंट भी ऐड कर दिया, जैसे जीएम क्रॉप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी उसमें क्या कर रहे थे कोई बाहर की चीज ऐड कर रहे थे ताकि वो क्रॉप जो है उसमें कोई कीट पतंगा लगता है तो उससे बचा, जैसे कम पानी की रिक्वायरमेंट करे एक तरीके से, ठीक है, खाद की भी कम रिक्वायरमेंट लगे, वो सारी चीजें। तो पहले जो है दो ये आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलेंगे, पर जो तीसरे वाला है यहां पर वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बाहर की चीजों को ऐड कर बनाया गया है। तो अभी यहां पर इनमें एक डिफरेंस क्रिएट किया गया है हमारे देश के अंदर भी, इसके चलते यहां पर ये अभी न्यूज में आ गया कि इनको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है।
नॉर्मली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएमओ है जिसके बारे में मैंने बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में याद रखेगा। तो यहाँ पर बीटी कॉटन के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, तो यहाँ पर क्या किया गया था, बाहर से आन के एक तरीके से इंट्रोडक्शन किया गया था, बाहर से जो जीन है उसका, जिसको हम लोगों ने सोयल बैक्टीरियम बेसिलियस बेसिलियस थ्रीजेनिसिस जिसका नाम दिया था। तो इस तरीके से नेटिव के अंदर में बाहर से चीजों को ऐड कर तब इसको बनाया गया था, बीटी कॉटन यहां से निकल कर आई थी। ये मैंने बताया भी था आप लोग भी, बाहर से चीजें ऐड कर दी इस तरीके से, तो तब जाकर यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये जो पूरा प्रोसीजर यहां पर देखने को मिल रहा है और ये जो प्रेजेंट में प्रोसीजर आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए दो आप लोगों को। यहां पर जो मैंने समझाया इनमें अगर डिफरेंस क्लियर होगा तो फिर कोई डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट अगर समझ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट में ही डाउट है तो फिर तो कहानी खराब हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को माइंड में लेकर चलना है। अब फिर से मैं बता देता हूं बेसिक डिफरेंस, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि यहां पर बेसिकली जीनोम एडिटिंग और इसी के साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो जो जीनोम एडिटिंग होता है वो बाहर की चीजें अपने अंदर नहीं लेने देता है, वो अपने ही आप में मॉडिफाई करके उसी को चेंज करता है, ठीक है। पर लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बाहर से मटेरियल को भी ऐड कर अपना काम चला लेती है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो हो गया ये हो गया बेसिकली आप लोगों को देखा बाहर से यहां पर हो गया और इसने क्या किया, इसने अपने अंदर से ही काम कर लिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब रेगुलेटरी इशू क्या है, इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है जीएम जो क्रॉप्स है यहां पर, तो लेबोरेटरी में जो भी चीजें यहां पर लेकर चल रही है मल्टीपल लेवल पर उनको चेक किया जा रहा है, तो जीएम क्रॉप जो है, ठीक है, तो उसको लेकर यहां पर ले रहे हैं कि उसके ऊपर डिबेट छिड़ गया कि इनको एक ही मानना है या इनको अलग अलग रखना है। तो कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो यहां पर इसको अलग अलग तरीके से अपोज करें कि बायोसेफ्टी को ध्यान में रखना है, इनकम्प्लीट डेटा रहता है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उसी को लेकर कि यहां पर ये जो मैंने अभी बताया इनको अलग रखना है या फिर एक ही कैटेगरी में रखना है, तो ये वाले इशू कई सारे चल रहे हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है यहां पर वो एक हाई पावर्ड कमेटी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है, जो कि इन सारे मुद्दों को ध्यान से रखती है। रेगुलेटरी जो है यहां पर ये बेसिकली जीएम क्रॉप के लिए यहां पर एग्रीकल्चर मल्टीपल फील्ड ट्रायल के बारे में बात करती है, डेटा बायोसेफ्टी के बारे में ध्यान रखती है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या नेसेसरी है यहाँ पर अगर उसको कमर्शियल के तौर पर रिलीज करना है, ठीक है, तो उसको चेक करेगा। आप लोग ये समझिए जैसे आज के डेट में हम लोग बीटी कॉटन लेकर आते हैं कपास, कपास में से फिर क्या निकलता है, कुछ छोटे छोटे ऐसे दाने से निकलते हैं, हमारी साइड में उसको बिनोले बोलते हैं, उसको जब लेकर जाते हैं उसमें से फिर तेल वगैरह निकाले, खल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, सारी चीजें बनाई जाती है जो कि जानवरों के लिए। अब जानवर खाने से अगर उनको प्रॉब्लम होने लगे और वही जानवर से हम लोग फिर दूध पिए फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगे, तो एक पूरा एक एनालिसिस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है ताकि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो आज की डेट तक ओनली यहां पर क्रॉस कर चुकी है सारे रेगुलेटरी जो प्रोविजन है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ऐसी फसल है हमारे देश में जो कि आज की डेट में हम लोग उसको सारी चीजें इंप्लीमेंट कर उसको लेकर आगे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंट्री यहां पर खेल रही है, जैसे यहां पर बात करें यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, वो कह रही है कि जो जीनोमिक एडिटिंग क्रॉप्स है यहां पर, ठीक है, तो उसके चलते अगर बात करें तो वो एक अलग तरीके चीजों को लेकर चल रही है, और कंट्री जैसे अर्जेंटीना इजराइल और यूएसए और कनाडा है वो यहां पर एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में लेकर चल रही है, क्या थोड़ा लिबरल है वो, इतना टाइटल लेकर नहीं चल रही है, यानी कि यूरोपियन यूनियन टाइट है पर लेकिन ये टाइट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर अपनी कंट्री के बारे में तो हमारी कंट्री में कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि वेरिएंट जो डेवलपमेंट है एसडीएन या एसडीएन ट्रेन टेक्निक को लेकर, ठीक है, तो एक तरीके से अगर यहां पर बात करें तो बात की जा रही है डू नॉट हैव एनी अलाइन डीएनए, ठीक है, तो सच कैन ट्रीटेड एट अदर हाइब्रिड, यानी कि अलग अलग इनको ट्रीट किया जाए, तो हमारी कंट्री में उस तरीके से बातें की जा रही है। तो पदम अवॉर्डी यहां पर ये बातें बोल रहे हैं, तो मैंने ये कहने का मतलब यहां पर ये कि इसको लेकर कई सारी जो चीजें हैं वो अभी मार्केट में देखने को मिल रही हैं इनके डिफरेंस के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझेंगे, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना है। अब एक इंपॉर्टेंट बॉडी इसके बारे में याद रखेगा, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ठीक है, तो यहां पर रीजनेबल फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट अगर बात करें, रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, इसी के साथ में पैथोजन जो है कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आरएनआई है यहां पर, ट्रांजिएंट कोई एनिमल है ह्यूमन जो मटेरियल है, तो यहां पर कई सारी ऐसी चीजें यहां पर चेक करती है क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है, कोई हजार तो चीजें नहीं होगी उसको कंट्रोल करना, हेल्थ और एनवायरमेंट को ध्यान में रखना, ठीक है, वो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गया है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर इन सब चीजों पर ध्यान रखती है। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कल को अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहेगा तभी चीजें जो है वो आगे सही से बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में लेकर इसको बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होगा, अब क्लैरिटी आई होगी। तो इंटरनेशनल माइंस डे के बारे में हम लोगों ने बातें की, पूरा डिटेल में मैंने यहां पर बेसिकली रसिया और यहां पर जो इश्यू चल रहे थे वो सारा डिटेल में पढ़ा दिया, नेटो के बारे में आप लोगों को बता दिया क्या मुद्दा है, और एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या क्या है मुद्दा अब बता दें, यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुके हैं, तो थोड़ा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। कुछ कमिटीज और कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया वो भी थोड़ा याद रखेगा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली अंटार्कटिका बिल के बारे में,
तो काफी डिटेल में बता दिया किस किस का क्या क्या प्रोग्राम है और हम लोग क्या प्रोग्राम चला रहे हैं और हमने अभी बिल पास किया तो वो क्यों किया है, तो सारे मुद्दे मैंने आप लोगों को बता दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्रीलंका में क्या क्या क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, अभी इशू क्या चल रहा है, इंडिया हेल्प कर रहा है या फिर कौन हेल्प कर रहा है और वहां पर क्या इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव भी सारी चीजें आप लोगों को बता दी। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन, अभी है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन इनके सही आंसर देता है। ठीक है, तो वीडियो को एक एक कर इसके आंसर आप लोग देने। तो यहां पर थीम के बारे में बात की जा रही है, तो इसकी थीम क्या होगी आप लोग बताना है। यहां पर बेसिकली बेस की बात की जा रही है, कट डीएनए स्टैंड एडिटिंग जीन, तो क्या बोला जाता है इस टेक्निक को, जीईएसी क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में इंडिया ने साइन किया ट्रीटी, कब साइन की थी, सीसीएएमएलआर क्या है यहां पर ये बताना है। ठीक है, कौन से दो रिसर्च स्टेशन है और स्विफ्ट की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, जो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।